नमस्कार साथियों, मैं हूं अनन्या मिश्रा। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, ये जो है आपका यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट जो होता है उसका यूनिट 3 है, और इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो है बोध, या हम कह सकते हैं समझ, या इसको हम कह सकते हैं कॉम्प्रेहेंशंस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, कॉम्प्रेहेंशन। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है, कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका जो है, मैंने बताया था कि ये जो है यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट का, मैं सारे यूनिट्स जो है कंप्लीट कर दूंगा। यूनिट की बात करूंगा तो मैं 5 यूनिट जो है आपको फ्री दे दूंगा। बाकी के अगर आगे के यूनिट्स आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे, उसमें जो एक PDF मिलेगी, उस PDF को जब आप खरीदेंगे तो बाकी के जो है आपके जो वीडियोज हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि यूजीसी नेट जो होता है पेपर फर्स्ट जो होता है, और फर्स्ट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के रूप में बटा हुआ होता है। ठीक है, जिसमें आपका पेपर फर्स्ट की अगर बात की जाए तो 150 नंबर का जो है, सॉरी 50 क्वेश्चन का जो है आपका, या 50 क्वेश्चन का जो है आपका आता है, जिसके 50 अंक 100 अंक जो होते हैं। दूसरा पेपर होता है, ये सभी के लिए अनिवार्य तो नहीं होता है, आपने जिस सब्जेक्ट से जो है भरा होगा उससे आते हैं, आपके 100 प्रश्न आते हैं जो कि 200 नंबर का होता है। ठीक है, तो फिर से बता दूं, आपका पेपर फर्स्ट जो है आपका 100 अंक का होता है, जिसमें 50 प्रश्न आते हैं सभी, और लगभग पेपर फर्स्ट में आपका यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट में आपकी 10 यूनिट होती हैं, जिसमें से हर यूनिट में मोटा मोटी देखा जाए तो 5 5 प्रश्न जो है आपके आ जाते हैं, तो सबका मिलाकर लगभग आपका 100 नंबर आपके बन जाते हैं। इसके बाद आपका पेपर सेकंड की अगर बात करें तो ये सबके लिए अनिवार्य नहीं होता है, ये सबका अलग होता है। अगर आपने हिस्ट्री से भरा हो तो हिस्ट्री का होगा, पॉलिटी से भरा होगा तो पॉलिटी का होगा, तो बाकी के लिए अलग अलग होता है। आप पेपर 2 की अगर बात करें, पेपर सेकंड की, तो उसके लिए भी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल पर काफ़ी मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट जो कि अब 2021 वाला आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका 10 यूनिट में बटा हुआ होता है। और 10 यूनिट की अगर बात करें तो आपका सबका जो है वेटेज जो है सेम है, लगभग मोटा मोटी देखा जाए तो 5 प्रश्न ही आपके आते हैं, और हर प्रश्न का जो नंबर होगा वो आपका 2 नंबर का यह प्रश्न होता है, जो कि अगर देखा जाए तो आपके 100 नंबर बन जाते हैं। यहाँ पर जो यूनिट जो है आपकी थर्ड है, जो कि होने वाली है आपका यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का आपका अनिवार्य पेपर होता है ये, यानी कि सब के लिए जो होता है सेम होता है। तो इसमें जो हम देखने वाले हैं यूनिट 3 बोध, या इसको समझ कह सकते हैं हम, कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो अगर PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप भी डायरेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप जहाँ चाहे वहाँ जुड़ सकते हैं, आपको जो माल एकदम टनाटन मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है एक अच्छा सा जो है मटेरियल मैं दे पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो बोध का हल्का सा उद्देश्य देख लेते हैं कि बोध जो होता है कॉम्प्रिहेंशन किस लिए डाला जाता है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो कुछ ऐसे होते हैं, तो इसको यहाँ पर दिखाते हैं। व्हाट इज द कॉम्प्रिहेंशन? तो कॉम्प्रिहेंशन इज द कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग द इंटेंशनल इंट्रैक्शन एंड बिटवीन रीडर एंड टेक्स्ट टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग, यानी कि क्या कहना चाहता है, यानी कि एक समझ देखना चाहता है कि जो एग्जाम में या परीक्षार्थी जो परीक्षा देने आया है वो कितना समझदार है, या कि उसका जो है मेंटेलिटी किस तरह की है, वो क्या सोचता है। ठीक है, तो छोटे मोटे अगर उसमें देखा जाए तो एनालिटिकल एबिलिटी चेक की जाती है, उसके लॉजिकल एबिलिटी देखी जाती है, रीजनिंग एबिलिटी चेक की जाती है, आपका इन्फ्रेंस पावर देखा जाता है, रीडिंग स्पीड देखी जाती है, और वोकेबुलरी जो है पावर होती है इससे आपकी चेक हो जाती है। तो बोध का उद्देश्य किसी उम्मीदवार को किसी विषय की जानकारी को समझने, व्याख्या करने, किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की क्षमता का उसमें परीक्षण किया जाता है, मूल्यांकन करने और उन प्रश्नों का उत्तर व्यवस्थित तरीके से देने के लिए आपका बोध का जो है इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि वहाँ एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ होता है, लगभग देखा जाए तो 20 से 25 लाइन उसमें मोटा मोटी होती हैं, और उसमें जो दिया गया होता है एक लगभग उसी से ही जुड़े प्रश्न दिए गए होते हैं, तो उससे जुड़े प्रश्न होते हैं तो आपको जो है उनको हल करना होता है, और बहुवल वैकल्पी यानी कि MCQ टाइप जो होते हैं आपके प्रश्न होते हैं। तो इसके माध्यम से, किसके कॉम्प्रिहेंशन के माध्यम से, परीक्षार्थी की विश्लेषणताओं और तार्किक क्षमता के साथ शब्दों के सटीक अर्थ को समझने के बाद निर्णय लेने की प्रवृत्ति का परीक्षण किया जाता है। बोध में बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उनका उद्देश्य परीक्षार्थी की बोधगम्यता का अवलोकन करते हुए निर्णयन शक्ति का परीक्षण करना होता है। दो शब्द में अगर बताऊँ तो कुछ नहीं होता, एक छोटा सा समझ विकसित करना होता है। इसका उद्देश्य प्रमुख रूप से देखा जाता है कि लड़का किस तरह से समझ है उसके अंदर, वो क्या समझता है, कोई शब्द लिखा है तो उसके लिए क्या वो उसके मायने रखते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है अभी बोध से होती हैं। तो बोध में कुछ भी नहीं पढ़ाने के लिए, बस क्या मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट होता है, या जो पूरा जो है जो वेटेज होता है, तो उससे जो 2019-20 का जो पेपर आए हुए हैं
उनको मैं यहाँ पर कराए दे रहा हूँ, तो आपका जो है क्या हो जाएगा, एक रिवीजन, एक बेस जो है तैयार हो जाएगा, आपकी भी एक समझ जो है विकसित हो जाएगी। आप जो है साथ साथ जो है उत्तर देने की कोशिश करना, मैं कोशिश करूँगा कि आप स्वयं भी दें। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पर जो है बोध या कहें समझ या कहें कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट होता है उससे मैंने प्रश्न यहाँ पर निकाल लिए हैं। तो प्रश्न जो है आए हुए हैं 2 दिसंबर 2019 को जो एग्जाम हुआ था, शिफ्ट जो है पहली शिफ्ट का जो है पेपर है ये, इसमें 5 से 7 प्रश्न आपके जो होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है, तो एक उसके बारे में मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। पढ़ने के बाद आप जो है अपनी समझ से भी दे सकते हैं और मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आप अपना भी दिमाग लगाना कि क्या क्वेश्चन है। तो मैं पढ़ रहा हूँ उसको, आप भी पढ़िए। निसंदेह राजनीति प्रतिनिधित्व ऐसा माध्यम है जिसके आ जिसमें आधुनिक व्यावहारिक राजनीति और देशीय भाषा में लोकतंत्र का पुनः प्रतिपादन संभव हुआ है। परिणाम में उदार लोकतंत्र प्रत्यक्षतः प्राचीन एथेंस के लोकतंत्र से प्राप्त नहीं हुआ है। उन युगों के मध्य वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था जो लोकतंत्र के प्रस्तावित या कहें नामित राजनीति राजनीतिक दृष्टिकोण रखता है, और जब पुनः राजनीतिक और सिद्धांत का केंद्र बना तो इसे प्रतिनिधित्व जुड़ गया है जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। वस्तुतः विशेष प्रकार का लोकतंत्र है प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र, जबकि निर्वाचन और जनमानस का दबाव निश्चित रूप से राजनीति प्रभाव डालता है। प्रतिनिधियों के कार्य लोकतांत्रिक नागरिकों को राजनीतिक अधिकार में पड़ित करने हेतु प्राथमिक सरकारी प्रणाली होती है। लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक अच्छाई को बढ़ावा देने के लिए हम प्रतिनिधात्मक प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, लेकिन आजकल या कहें परंतु आजकल जब कोई प्रतिनिधित्व के विचार की कल्पना करता है तो नैतिकता का या कहें अच्छाई से इसका सहचर मस्तिष्क में नहीं आता है। कुल मिलाकर यह तटस्थ प्रक्रिया है, यह यांत्रिक विधि है, और कुल मिलाकर यह तटस्थ प्रक्रिया है एक यांत्रिक विधि है जिसके द्वारा एक सत्ता दूसरे के लिए होती है, जिसके द्वारा एक सत्ता दूसरे के लिए होती है और उसका प्रतिनिधित्व करती है, और लाखों नागरिकों के निर्णय को कुछ प्रतिनिधियों के विधिक आधिकारिक हाथों में देना या हजारों लोगों को भावनाओं को एक व्यक्ति के नेतृत्व को सौंपने की राजनीतिक आवश्यकता होती है। इसी से आपका जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको समझ सकते हैं। इसमें कुछ प्रमुख जो है पॉइंट दिए गए हैं, उसको आप पढ़िए जल्दी जल्दी। आपको पढ़ने के साथ ही उसमें जो है क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहा है लेखक, उसको भी साथ में समझना पड़ता है। इसी से जुड़ा हुआ जो है आपका प्रश्न है, आप अगर सही आंसर देते हैं तो आपका 2 नंबर जो है तुरंत बन जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 11 था, मतलब 2019 में, लेकिन यहाँ पर जो है फर्स्ट है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र के संबंध में लेखक का क्या विचार है। लेखक का विचार अगर देखें तो विधिक और नैतिक अगर बात की जाए तो विधिक और नैतिक जो है लेखक नहीं बताता है, विधिक और लेखक नहीं बताता है। सार्वभौम भागीदारी, तो कहीं इसमें शब्द भी सार्वभौम भागीदारी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। मनमाना सत्ता परक, तो भैया ये कहीं इस्तेमाल भी नहीं किया है, ठीक है। वहीं आ जाता है आपका चौथा, तो कुछ व्यक्तियों के हाथों में सत्ता का केंद्रीकरण, तो क्या ये कहीं बता रहा है। तो हमारा जो है लेखक कहता है कि कुल मिलाकर यह तटस्थ प्रक्रिया है, ये कि यांत्रिक विधि है जिससे क्या होता है एक सत्ता दूसरे के लिए होती है और इसका प्रतिनिधित्व करता है एक साथ वो एक यह लाखों नागरिकों के निर्णयों को कुछ प्रतिनिधियों के आधिकारिक हाथों में देने या फिर हजारों लोगों की भावनाओं को एक व्यक्ति के नेतृत्व को सौंपने की राजनीति की आवश्यकता होती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाता है। डी की अगर व्याख्या देखें तो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र के संबंध में लेखक का विचार कुछ व्यक्तियों के हाथों में सत्ता का केंद्रीकरण होने से है, और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र एक प्रकार की यांत्रिक विधि है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह यांत्रिक विधि जिसके द्वारा एक सत्ता दूसरे के लिए होती है उसका प्रतिनिधित्व करती है, जो लाखों लोगों के निर्णयों को कुछ जनप्रतिनिधियों के विधिक अधिकारी आधिकारिक हाथों में दे देते हैं। क्लियर हुआ ना। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें नेक्स्ट देखते हैं, जो कि आपका आया हुआ था इस अवतरण, यानी कि जो लेखक लिखता है इस अवतरण के अनुसार राजनीतिक प्रतिनिधियों के कार्य क्या दर्शाते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति दर्शाते हैं, तो भैया नहीं दर्शाते हैं। जनमानस का दबाव दर्शाते हैं, तो भैया नहीं दिया था वहां पर। राजनीतिक शक्ति दी थी, तो भैया हो सकता है, चेक करेंगे हम इसको। आत्मविलोपन व्यवहार, तो भैया कहीं आत्मविलोपन व्यवहार तो इस्तेमाल भी नहीं किया है। तो इसमें जो आंसर आपका हो जाता है, तो एक इस अवतरण यानी कि जो लेखक के अनुसार राजनीतिक
राजनीतिक प्रतिनिधियों के कार्य क्या दर्शाते हैं, तो वो क्या क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाते हैं, तो आपका सी जो है आंसर सही हो जाएगा। तो इस अवतरण के अनुसार राजनीतिक प्रतिनिधियों के कार्य राजनीति शक्ति को दर्शाते हैं। राजनीति प्रतिनिधित्व ऐसा माध्यम है जिसमें आधुनिक व्यावहारिक राजनीतिक और क्षेत्रीय भाषा में लोकतंत्र का पुनः प्रतिपादन संभव हुआ है। परिणामी उदार, शुरू में ही ये लिखा था कि परिणामी उदार लोकतंत्र पुरानी लोकतंत्र से प्राप्त नहीं हुआ है। उन युगों के मध्य ऐसा कुछ नहीं था जो लोकतंत्र के प्रतिस्थिविक या फिर नामित राजनीतिक दृष्टिकोण रखता था। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें आधुनिक राजनीतिक देसी भाषा को विशेषतः निहित है। फिर से बता दूं, निम्नलिखित किसमें आधुनिक आधुनिक भाषा की विशेषता निहित है, तो लोक लुभावन राजनीति में, तो भैया गलत है, ऐसा तो नहीं है। संरचना का अभाव में, तो भैया बिल्कुल नहीं दिया, कहीं पर भी लेखक ने इसका जिक्र भी नहीं किया। नीतिगत विमर्श के बारे में, तो भैया कहीं पर भी इसका जिक्र जो है लेखक ने नहीं किया। लेखक कहता है कि प्रतिनिधि मूलकता आधुनिक राजनीति देसी भाषा की विशेषता निहित है। ठीक है, किसमें आपकी प्रतिनिधि मूलकता में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी। राजनीति प्रतिनिधि मूलकता में आधुनिक व्यवहारिक राजनीति और देसी भाषा की विशेषता निहित है। इसी कारण यह प्राचीन एथेंस के लोकतंत्र से थोड़ा सा अलग प्रतीत होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें लोकतंत्र के प्रतिस्थापित या फिर नामित राजनीति का जन्म हुआ, जो विशेष प्रकार का लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, राजनीति राजनीति प्रतिनिधित्व के कारण निम्नलिखित में से किसका उद्भव हुआ है, तो एथेंस का लोकतंत्र। भैया कहीं पर भी इन्होंने नहीं कहा कि एथेंस का लोकतंत्र, मना किया था, क्योंकि यहाँ पर भी ऊपर जो है जिक्र होता है, क्या कहते हैं, क्या कह रहा है कि इसी कार्य है एथेंस के लोकतंत्र से अलग है, यानी कि एथेंस से लेना देना कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर एथेंस का लोकतंत्र होगा ही नहीं। वास्तविक लोकतंत्र, तो भैया वास्तविक लोकतंत्र के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया है। सैद्धांतिक लोकतंत्र, तो भैया गलत बात है, ऐसा तो नहीं संभव हो सकता। उदार लोकतंत्र, तो भैया लेखक कहता है कि राजनीतिक प्रतिनिधि के कारण उदार लोकतंत्र का उद्भव हुआ है। ठीक है, उदार लोकतंत्र का उद्भव हुआ है जो निर्वाचन और जनमानस का दबाव निश्चित रूप से राजनीतिक प्रभाव डालते हैं। प्रतिनिधियों के कार्य लोकतांत्रिक नागरिकता को राजनीतिक अधिकार से परिणित करने हेतु प्राथमिक सरकारी प्रणाली होती है। आजकल जब कोई प्रतिनिधित्व के विचार की कल्पना करता है, तो नैतिकता का अच्छाई से इसका साचर मस्तित्व में आता ही नहीं है। तो नैतिकता का, वास्तविकता का और एथेंस से कोई लेना देना इसका था ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर उदार लोकतंत्र की बात होती है, क्योंकि उदार का सीधा मतलब है कि आप दयालु नहीं हैं, आपके अंदर जो है, आप जो है मतलब आप सहिष्णु नहीं है, तो चीजें जो है आपके पक्ष में नहीं आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक के अनुसार लोकतंत्र के विचार को किस रूप में देखा जाता है। नीति आधारित राजनीति, तो भैया गलत है। प्रतिनिधित्व की अच्छाई, तो भैया कहीं से भी नहीं। कुछ लोगों के विचार को माध्यम प्रदान करना, तो भैया ये भी नहीं। इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं सी में। लेखक के अनुसार प्रतिनिध्यात्मक लेखक के अनुसार अनुसार लोकतंत्र के विचार को प्रतिनिध्यात्मक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उदार लोकतंत्र का प्रादुर्भाव या कहें शुरुआत हुई, जो लोकतंत्र की प्रतिस्थापित या कहें नामित राजनीति का दृष्टिकोण है। चलिए पेपर देख लेते हैं। नेक्स्ट, बोध या समझ, कॉम्प्रिहेंशन। प्रश्न जो है पत्र जो है आपका फर्स्ट है। ठीक है, 2 दिसंबर 2019 को इसका एग्जाम हुआ था। ये शिफ्ट जो है सेकंड शिफ्ट का पेपर है। फर्स्ट का मैंने आपको जो है बोध से संबंधित जो भी प्रश्न आए थे, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। तो आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। 13 से लेकर 17 तक के इसमें प्रश्न दिए गए हैं। 13, 14, 15, 16, 17, यानी 5 प्रश्न हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। अंतः उद्योग व्यापार उत्पाद उत्पादन पैमाने के महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के लाभ को ध्यान में रखकर उद्भूत हुआ है।
यहाँ अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा औद्योगिक देशों से प्रत्येक फर्म या प्लांट को किसी एक उत्पाद या फिर कुछ विशेष प्रकार की शैली के उत्पादन पर बल देती है। यह विभिन्न प्रकार की शैली पर बल नहीं देती। इससे इकाई या यूनिट लागत को कम कर रखने में कठिनाई होती है। कतिपय विविधताओं और शैली को ध्यान में रखते हुए सतत परिचालन और दीर्घ उत्पादन करने के लिए विशिष्ट और तीव्रतर मशीनरी विकसित की जा सकती है। एक राष्ट्र तब तक अन्य राष्ट्रों से अन्य विभिन्नताओं तथा शैली के उत्पादों का आयात कर सकता है। अंततः उद्योग व्यापार उपभोक्ताओं के लिए लाभप्रद होता है क्योंकि इसमें व्यापक रेंज के विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं। विपुल प्रकार के वैविध्यपूर्ण उत्पाद का उत्पादन में कोटियों की अर्थव्यवस्था द्वारा कम मूल्यों पर मिलना संभव हो जाता है। इसके कारण उपभोक्ताओं की क्षमता में बहुत बड़ी मात्रा में वेलफेयर उत्पाद प्राप्त होता है और इस माल की किस्मों में वृद्धि होती है और वे व्यापार के जरिए अच्छा माल खरीद सकते हैं। अंततः उद्योग के व्यापार के महत्व स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं और ऐसा तब हुआ जब 1958 यूरोपीय यूनियन या साझा बाजार के सदस्यों के बीच व्यापार के संचरण में आने वाले प्रशुल्क और अन्य बाधाओं को हटा दिया जाता है। यह पाया जाता है कि इसमें व्यापार की मात्रा में प्रभाव होने लगता है किंतु प्रत्येक ब्रॉड औद्योगिक वर्गीकरण के भीतर विविधता पूर्वक उत्पादों के विनिमय में भी संगतपूर्ण वृद्धि होने लगी। ठीक है, इसको पढ़ लिया, आप एक बार और पढ़ सकते हैं इसको पोस्ट करके। तो इसके बाद आपको जो है यही क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर बना था यूरोपीय यूनियन व्यापार फ्लो के लिए बाधाओं को हटाने का क्या परिणाम हुआ? अंततः उद्योग व्यापार में मंदी? तो भैया नहीं, ऐसा नहीं हुआ। समान उत्पादों का बहाव? तो भैया ऐसा भी नहीं हुआ। सदस्य राज्यों के बीच व्यापार की मात्रा में वृद्धि? तो भैया हुई। क्यों ही? क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है आपको बताया था, यहाँ पर पढ़ने को मिला कि यहाँ पर क्या है, अच्छा माल खरीद सकते थे और अतः व्यापार के महत्व दिखाई देने। ऐसा तब हुआ कब, जब बाधाओं प्रशुल्क हटा दिए गए और अन्य बाधाओं को हटा दिया। तो इससे क्या हुआ, सदस्य राज्यों के बीच व्यापार की मात्रा में वृद्धि हुई, विविध उत्पादों का बल नहीं। तो आपका आंसर जो हो जाता है सी। तो आइए देखते हैं। तो यूरोपीय यूनियन ने कि यूरोप संघ में व्यापार फ्लो के लिए बाधाओं को हटाने के परिणामस्वरूप सदस्य राज्यों के बीच व्यापार की मात्रा में वृद्धि हुई क्योंकि वर्ष 1958 में साझा व्यापार के सदस्यों के बीच व्यापार के संचरण में आने वाले प्रशुल्क और अन्य बाधाओं को हटा लिया गया था। कम उत्पाद मूल्य का अर्थ क्या है? कम उत्पाद मूल्य का अर्थ क्या है? तो सतत उत्पाद परिचालन, विकल्प का अभाव? तो भैया ये भी नहीं होगा। व्यापार सूचना विनिमय में वृद्धि? तो ये भी नहीं। उपभोक्ता की क्रय शक्ति में वृद्धि? तो आइए, बिल्कुल सही आंसर आपका जो है डी हो जाएगा, उपभोक्ता की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। क्यों? कम उत्पाद मूल्य का अर्थ क्या हुआ? कम उत्पाद मूल्य का अर्थ ये हुआ कि उपभोक्ता की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। आइए देखते हैं। तो उत्पादों का मूल्य कम कर दिया जाए या कहें कम कर दिए जाने से उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाएगी जिससे वे अधिक क्रय करने के लिए आकर्षित होंगे और उत्पादों की मांग में वृद्धि होगी। क्योंकि सीधे शब्द इकोनॉमी बहुत लंबे से अच्छे से मैंने विस्तार किया है कि मान लीजिए आपकी ये घड़ी है, इसके मूल्य में क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए, रेट जो है कम कर दिया, तो जाहिर सी बात है उपभोक्ता की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? मान लीजिए 900 रुपये की घड़ी आती है और ये घड़ी कर दी जाए 500 रुपये की या 600 रुपये की, तो आपके सीधे सीधे 200 से 300 रुपये जो है आपके बच जाएंगे। अब 200 से 300 रुपये जब बच जाएंगे तो आप उसका कुछ और भी खरीद सकते हैं। 200-300 की जब आप बच रहा है तो आप मान लीजिए ये जो है आपका पेन है, तो आप मान लीजिए वो 900 का, तो आपको पेन तक खरीदने का पैसा नहीं था, अब आपके पास पैसा बचा है तो आप पेन भी खरीदेंगे। अब पेन की भी कीमत क्या कर दी जाएगी, 15 से 20 रुपए का आता है तो आपका कितना कर दिया जाए, 10 रुपए का, तो क्या रहेगा उसमें भी जो है उनके पास क्रय शक्ति में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि जब पैसा खर्च होगा तो लोगों पर माल जो है बढ़ेगा, जब जेब में ज़्यादा बचेगा तो दौड़ेंगे किसकी तरफ, मार्केट की तरफ, जब मार्केट तब बढ़ेंगे तो वहाँ पर मांग पैदा होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अंतर उद्योग व्यापार पर अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा का प्रभाव किस पर देखा जा सकता है?
उत्पाद की वृद्धि किस्मों की उपलब्धता पर तो भैया नहीं गलत है, एक ही प्रकार की सीमित किस्म पर, तो पीछे मैंने बताया भी था कि एक ही प्रकार की सीमित किस्मों पर ये दिखाई पड़ता है। औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो नहीं पड़ता है। उत्पाद के प्रतिबंधात्मक लाभ पर, तो नहीं भैया कहीं से भी नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका बी, यानी कि एक ही प्रकार की सीमित किस्म पर, पीछे मैंने बोला भी था। ठीक है, तो अन्य उद्योग व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा का प्रभाव एक ही प्रकार की सीमित किस्म पर देखा जा सकता है, यह उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार एवं शैली पर बल नहीं देता। ठीक है, इसकी एक कमी मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, उत्पादों के कुछ किस्मों के बड़े उत्पादन का परिणाम क्या होगा? क्या होगा? तो इकाई की लागत में कमी आएगी, तो भैया नहीं आएगी। पैमाने की औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा, तो भैया बिल्कुल होगा। महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के ग्राहकों को लाभ होगा, नहीं होगा भैया। उत्पादन की बढ़ती लागत में वृद्धि होगी, तो नहीं होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, उत्पादों की कुछ किस्मों पर बड़े पैमाने पर उत्पादन का प्रभाव होगा। प्रभाव यह होता है कि उत्पादित वस्तु की प्रति इकाई की लागत में कमी आ जाती है, क्योंकि उत्पादन के साधनों का अधिकतम अनुकूलन प्रयोग सुनिश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, विकास और विशिष्ट मशीनरी की उपयोग का क्या परिणाम होता है? उत्पादों की अधिक किस्में होंगी, तो भैया ऊपर ही हो गया था कि भैया उत्पादों की वृद्धि कहाँ पर, एक ही प्रकार की सीमित किस्म होगी, तो भैया बिल्कुल नहीं होगी। उपभोक्ताओं के हितों में कमी आएगी, तो भैया बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि थोड़ा सा लाभ ही होगा, मैंने पीछे बताया भी था। उत्पादों की किस्मों का आयात होगा, तो भैया बिल्कुल होगा। आंसर ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है, आंसर होगा विकास और विशिष्ट मशीनरी के उपयोग के परिणाम स्वरूप उत्पादों की किस्मों का आयात होगा। सतत परिचालन और दीर्घ उत्पादन करने के लिए विशिष्ट और तीव्रतर मशीनरी विकसित की जाती है, पीछे मैंने बताया भी था, आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2019 वाला। नेक्स्ट देखते हैं, 2019 का ही तीसरा पेपर जो होता है, 3 दिसंबर को हुआ था, 2 दिसंबर को दो पेपर हुए थे आपका शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड में। ये तीसरा पेपर है, वो तीसरा पेपर है जो कि 3 दिसंबर को हुआ था, ये शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। ठीक है, आगे के अगर आप अनसॉल्व पेपर या फिर सॉल्व पेपर अगर देखना चाहते हैं, तो आपको जो है नीचे PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आनंद आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ लीजिए, और उसके बाद जो है आपको जानकारी मिल जाएगी, तो इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, मैं भी थोड़ा सा बोल देता हूँ। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध से पहले का समय लोकप्रिय आंदोलनों का गहराई से मूल्यांकन करने हेतु एक उपयुक्त तरीका रहा है, क्योंकि यह एक सजह था। यह एक अंशतः प्रभावित प्रबुद्धता, विचारधाराओं, उद्देश्यों या फिर तकनीकों से अधिक कुछ नहीं था। ऐसी सहजता की सीमाएं लगभग स्पष्ट हैं। लोकप्रिय आंदोलन तत्कालीन भारतीय अत्याचारियों के विरुद्ध लक्षित थे, न कि दूरस्थ श्वेत वरिष्ठ पर। इसलिए यह अधिकतर जानबूझकर या आत्मनिष्ठ रूप से गैर साम्राज्यवादी नहीं थे। यह स्थान और समय की दृष्टि से काफी व्यापक रूप से पृथक थे और अत्यधिक उग्र थे, जिसमें अभिव्यक्तिकरण के विभिन्न सामाजिक रूप एक दूसरे के साथ विस्मयकारी सुगमता को समाविष्ट कर रहे थे। यह एक कृषक राष्ट्रवाद की अवधारणा को बिना कुछ अर्हता के प्रबुद्ध देशभक्ति की विचारधाराओं आंदोलन के लिए सुसंगत विकल्प के रूप में स्वीकारता कठिन बनाना है। निसंदेह कई बार लोकप्रिय पहल और स्वायत्तता विस्तृत थी, परंतु मध्यवर्गीय राष्ट्रवाद, जिसमें कम से कम विचारधारा के स्तर का कतिपय निरंतरता है, सन 1870 के दशक में ड्रेन ऑफ बेल थ्योरी के निर्माण के साथ जिन आंदोलनों पर विचार किया गया वे स्पष्ट तय खंडित थे। फिर भी ऐसी सीमाओं और अपरिपक्वताओं के बावजूद, यानी कि अपरिपक्वता जो होती है, यानी कि कम पका हुआ है, फिर जो है पूरी तरह से पका न हो, के बावजूद लोकप्रिय असंतोष मुद्दों और संघर्ष के रूपों के आलोक में मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद की काफी हद तक समझता है। यद्यपि इसके विशिष्ट लाभ कई बार नगण्य थे, वन अधिकार, किराए का भार, सूदखोरी, भू राजस्व, रोपण, श्रमिक शोषण और श्रम शिकायत इत्यादि को बाद में मध्यवर्गीय राष्ट्रवाद के साथ ने अपने साथ ले लिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें पहला क्वेश्चन जो बनता है,
युद्ध के पूर्व लोकप्रिय आंदोलन क्या थे? भाई वो क्या थे? आपका आंसर क्या है? समय समय पर विशिष्ट लाभ थे। आंदोलन क्या थे? समय समय पर विशिष्ट लाभ। तो एक सामाजिक रूप नहीं, नगण्य महत्व तो नहीं, मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद तो नहीं। आंसर इसका हो जाएगा डी। यह युद्ध पूर्व लोकप्रिय आंदोलन समय समय पर विशिष्ट लाभ के रूप में थे। प्रथम विश्व युद्ध के पहले का समय लोकप्रिय आंदोलनों का गहराई से मूल्यांकन करने हेतु एक उपयुक्त तरीका होता रहा है। युद्ध पूर्व लोकप्रिय आंदोलन का ही परिणाम था कि तत्कालीन भारतीय अत्याचारियों के विरुद्ध था, न कि संपूर्ण श्वेत वरिष्ठ के। ठीक है, चल। इस अनुच्छेद के अनुसार कृषक राष्ट्रवाद संबंधी मुद्दा क्या है? प्रबुद्ध प्रबुद्ध राष्ट्रवाद का एक व्यवहार्थ विकल्प, ठीक है, संगतता, निरंतर नियंत्रण में रहना, भैया का नहीं, समयानुरूप होना, नहीं, निरंतरता की कमी। तो भैया बिल्कुल सही है, आंसर इसका सी हो जाएगा। अनुच्छेद के अनुसार कृषक राष्ट्रवाद संबंधी मुद्दों में निरंतरता की कमी थी। कृषक राष्ट्रवाद की अवधारणा को बिना कुछ अर्हता के प्रबुद्ध देशभक्ति की विचारधाराओं आंदोलनों के लिए सुसंगत विकल्प के रूप में स्वीकारना कठिन बनाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं इसमें ही। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, लोकप्रिय आंदोलनों के संबंध में लेखक का आकलन क्या है भैया? तो कुछ लोकप्रिय मुद्दों को मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद द्वारा अपने साथ मिला लिया जाना। देखते हैं, ये सही है, ये विस्मयकारी और मनोरंजक थे। तो भैया कभी ऐसा तो होता ही नहीं है जो आंदोलन जो है विस्मयकारी और मतलब मनोरंजक, तो हो ही नहीं सकता। ये विशिष्ट और समय की कटौती पर खड़े, तो भैया तो ऐसा तो नहीं था कि अगर विशिष्ट कटौती पर खड़े उतरते तो भैया आंदोलन आगे कभी होते ही नहीं। युद्ध से पहले सामान्य असंतोष गैर साम्राज्यवादी था, तो भैया ये बिल्कुल ही नहीं था। आपका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें क्या था, कुछ लोकप्रिय मुद्दों को मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद द्वारा अपने साथ मिला लिया गया था। आंसर हो जाएगा लोकप्रिय आंदोलनों के संबंध में लेखक का आकलन एक लोकप्रिय मुद्दों के मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद द्वारा अपने साथ मिला लिया जाना था, जिसके कारण कई बार लोकप्रिय पहल और स्वायत्तता विशिष्ट में निरंतरता की कमी आई। मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद जिसमें कम से कम विचारधारा के स्तर पर कतिपय निरंतरता है, ये खंडित थे। आपका आंसर ए था। लोकप्रिय आंदोलन क्या है? तो भैया लोकप्रिय आंदोलन थोड़ा देख लें, साम्राज्यवादियों के विरुद्ध थे, तो भैया ये तो नहीं था। अपने स्वामियों के विरुद्ध थे, तो भैया ये देखना पड़ेगा। जानबूझकर उग्र थे, तो भैया ये तो नहीं थे। समयबद्ध थे, तो नहीं थे। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका बी, अपने स्वामियों के विरुद्ध थे। ठीक है, तो लोकप्रिय आंदोलन अपने स्वामियों के विरुद्ध थे, लोकप्रिय आंदोलन तत्कालीन भारतीय अत्याचारियों के विरुद्ध परिलक्षित थे, ना कि दूरस्थ श्वेत वरिष्ठ पर। और इसलिए है अधिकतर जानबूझकर या फिर आत्मनिष्ठ रूप से गैर साम्राज्यवादी नहीं थे। यह स्थान और समय की दृष्टि से काफी व्यापक रूप से पृथक थे और अत्यधिक उग्र थे, जिसमें व्यतिकरण के विभिन्न सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ विस्मयकारी सुगमता के साथ समाविष्ट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध पूर्व के लोकप्रिय आंदोलन के विश्लेषण द्वारा क्या प्रकट होता है भैया? तो क्या लोकप्रिय आंदोलन प्रबुद्धता का प्रभाव कम था? भैया हो सकता है, चेक करते। आंदोलन वैचारिक था, तो भैया बिल्कुल कहीं से भी वैचारिक नहीं था। आंदोलनों के स्पष्ट उद्देश्य थे, तो भैया कहीं से भी स्पष्ट उद्देश्य नहीं थे। सीमित सहजता थी, तो भैया बिल्कुल सीमित सहजता नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाता है ए, लोकप्रिय आंदोलनों पर प्रबुद्धता का प्रभाव कम था। तो इसका आंसर जो है ए, प्रथम विश्व युद्ध पूर्व के लोकप्रिय आंदोलनों के विश्लेषण द्वारा यह प्रकट होता है कि लोकप्रिय आंदोलनों पर प्रबुद्धता का प्रभाव कम था। प्रथम विश्व युद्ध से पहले का समय लोकप्रिय आंदोलनों की गहराई से मूल्यांकन करने हेतु एक उपयुक्त तरीका था, क्योंकि यह एक सजग था। यह अंततः प्रभावित प्रबुद्धता विचारधाराओं उद्देश्यों एवं तकनीकों से अधिक कुछ नहीं था। तो ये आपका जो है एक छोटा सा परिचय हो गया आपका। और अगर आप इसी तरह के पेपर चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आगे के भी बना दूंगा। मैं इतना ही भी इसी वीडियो में रखता हूँ, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा लाभ मिला होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आनंद भी आया होगा।
ज़्यादा मैंने इसमें कुछ दिया नहीं, बस इतना था कि आपका एक बेस तैयार हो जाए यूनिट जो है 3 का। इसके बाद नेक्स्ट जो है मैं यूनिट 4 आपका डाल दूंगा और जल्दी मैं ये आपके जो है पेपर फर्स्ट कंप्लीट करा दूंगा, सेकंड भी जल्दी आपका करवा दूंगा। उसके बाद पेपर के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, केवल मैं अनसॉल्व अनसॉल्व करवा दूंगा, आपका बढ़िया से पेपर फर्स्ट की तैयारी हो जाएगी। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम। और लास्ट में जाते जाते बता दूँ, सब्सक्राइब कर लिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए भैया, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमरे को। हमारा चैनल अभी छोटा है, लेकिन कसम खाते हैं कि छोटा ज़रूर है, लेकिन ले कह के लेंगे, समझ रहे ना। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।